देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाजडी में सूर्य प्रकाश सिंह संविदा सफाई कर्मी नगर पंचायत बाजडी द्वारा उच्च न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर धोखा से आदेश का गलत हवाला देकर अधिशासी अधिकारी से मिलकर फर्जी नियुक्ति कराना एवं सरकारी धन का गमन करने पर सुनील कुमार सिंह पूर्व चेयरमैन के शिकायती पत्र जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी बाजडी को यह आदेश किया कि इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जाँच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। आपने पर्चे बता दीजिए। मैं सुनील कुमार सिंह पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत बांसडी। क्या मामला है कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। ये मामला बांसडी में शायद हमारे समस्त प्रदेश में इस स्तर का कोई हिम्मत नहीं किया होगा कोई यो कोई चेयरमैन कोई कर्मचारी जिस स्तर से यह घोटाला यह धोखा बांसडी में किया गया है। इतनी बड़ी साजिश की हाई कोर्ट को इसमें हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है। सीधे सीधे एक सूर्य प्रकाश सिंह सफाई कर्मचारी के पद पर 2006 में उनकी नियुक्ति हुई है बांसडी में और मैं भी 5 मार्च 2013 से 17 मई तक अध्यक्ष रहा। तब तक वो सफाई कर्मचारी ही थे। 17 में कुछ घटना के बाद मैं नहीं रहा। उस दौरान श्री संजय कुमार राव अधिशासी अधिकारी बांसडी फुल प्लेस चार्ज में एक बाबू उनके नीचे हो गया और वो हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सफाई कर्मचारी सूर्य प्रकाश को सीधे लिपिक पर नियुक्ति कर दिया। लिपिक पर वेतन देने लगे। लिपिक वेतन पर उपस्थिति पंजिका पर लिपिक पद पर साक्षर करने लगे और उसके लिपिक का कार्य करने लगे। इसी संबंध में मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया था कल और आज जिलाधिकारी महोदय ने इसमें SDM बांसडी को स्वयं जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के स्पष्ट आदेश किए हैं और उन्होंने माना है कि ये प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में शामिल दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और स्वयं SDM बांसडी को निर्देश दिया। अगर इस DM साहब के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप? मैं कह दिया हूँ कि 15 दिन के बाद मैं उच्च न्यायालय में चला जाऊँगा, वहाँ पर जाकर अवगत कराऊँगा। चूँकि महोदय भी इसमें पार्टी हैं सेकंड नंबर पे और मैंने इतने 29 संलग्नक दिए हैं। 2013 में उनकी नियुक्ति पत्र 2006 की उन्होंने जो हाईकोर्ट में ये कहा है कि मैं दैनिक वेतन भोगी था उसके 2009 में मैंने दिया था सूचना के अधिकार से वो दिया है। मैंने इतने साक्ष्य दे दिए हैं कि उस पर कोई बचा नहीं सकता है। कोई इस पर अगर जांच हो तो उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है। और 15 दिन के बाद मैं हाईकोर्ट में चला जाऊंगा और साथ ही बांसडी में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जिस स्तर पर मुझे उतरना पड़ेगा मैं उतरूँगा क्योंकि इससे मैं एक भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। इससे आप पीछे नहीं हटेंगे? सरकार की हमारी सरकार की छवि भी खराब होगी अगर अधिकारियों की वजह से, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुख्यमंत्री तक मिलूंगा, प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना होगा, रात दिन एक कर दूंगा इसे पीछे।